अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्टो मौजूदा हफ्ता 25 से 31 जनवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर सारा महीना यानी 12 के 12 बुर्ज में जो है वो सैर सपाटा करते हुए मुख्तलिफ जगह स्टे करता हुआ आपको वालदा किसी शफकत से नवाजता हुआ आपके कई मामलों में बेहतरी लाने में आपका साथ दे सकेगा। अपना असर रसूख इस्तेमाल होगा या उसकी रेडिएशन आपके फेवर में रहेगी, जबकि आप अपनी परेशानियों का जो पॉजिटिव सोल्यूशन ढूंढ रहे थे यकीन वो भी आपको मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जनवरी को वैश्व तकरार से गुरेज करना वाजिब होगा, आप पे लाजिम होगा, वरना लड़ाई की सूरत इख्तियार पेश आ सकती है। 26 जनवरी को मिसाइल और परेशानी में इजाफे के सबाब कुछ हासिल नहीं हो सकेगा। 27 जनवरी को कानूनी मामला तय करते वक्त अच्छी तरह से कागजात की जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। 28 जनवरी को किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप कोई भी हल उसका तलाश करने की कोशिश करेंगे जो कि आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा। 29 जनवरी को दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर साबित हो सकेंगे। 30 जनवरी को फजूल खर्ची से इज्तनाब बरतिएगा। 31 जनवरी को फनून लतीफा या आर्ट के शोबे में आपकी दिलचस्पी मजीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हम दिन वो 31 जनवरी, जबकि एहतियात तलब दिन जो है वो 25 और 26 जनवरी का साबित हो सकते हैं। इन दो दिनों में खासतौर पर मुहतात रहिएगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स 21 से 31 जनवरी के साथ में रहते हो, आपके शराबती उमूर और अजवाजी जिंदगी को खासा खुशगवार बनाने में और खुशगवार अंदाज में गुजारने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मुश्तरी खाना माल में क्या होगा जिसकी वजह से आपके अपने माली वसाइल जो है उनमें इजाफा के लिए आपकी कोशिशें कामयाब हो सकेंगी। आपको सोर्स ऑफ इनकम कुछ नए नजर आ सकेंगे, कुछ नए आप स्टेप ऐसे कर सकेंगे कुछ अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए जो कि कामयाब रहेंगे और आप यूँ समझिएगा कि आपके जो तुक्के थे वो भी तीर बन के निशाने पर लग जाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 26 जनवरी को सफर का कोई प्रोग्राम बन सकता है, 25 जनवरी को सफर का कोई प्रोग्राम बन सकता है, 26 जनवरी को आपकी मेहनत और कामयाब जो है वो कामयाबी में डल सकेगी और आपका कोई अहम काम मुकम्मल होने से कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से आपको फायदा मिल सकेगा। 27 जनवरी को रिश्तेदारों का तावन आपको हासिल रहेगा जिसकी वजह से आपके मिसाइल में कमी वाकई हो सकेगी। 28 जनवरी को आप बिला वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 29 जनवरी को खुश अखलाकी आपके अंदर खुश अखलाकी जन्म ले सकेगी जिसकी वजह से आपके काम में ही बेहतरी नहीं आएगी बल्कि कुछ नए दोस्त भी आपके हल्का अहवा में दाखिल हो सकते हैं। 30 जनवरी को अखराज में कमी वाकई हो सकती है। 31 जनवरी को मुस्बत बातचीत करके यानी पॉजिटिव जो आपकी निगोसिएशन होगी आप दूसरों के साथ डिस्कशन करेंगे यकीनन उसकी वजह से कुछ नए मुआहदे भी तय पा सकेंगे जिसकी वजह से आप अपने आप को खासा रिलैक्स फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हम दिन वो 25 और 31, जबकि 27 भी गालबन पहला फेज दिन का होगा वो आपके लिए बेहतर साबित हो सकेगा, जबकि आपको जो है 28 और 29 जनवरी को खासा मुहतात रहना होगा अपने अल्फाज की अदायगी में, अपने जो अंजाम दिए गए काम है उनके बारे में आपको थोड़ा बेहतर तौर पर जो है अपने आप पर काबू रखना होगा, सोच समझ के अपने अल्फाज इस्तेमाल करना होगा। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा 9 से 31 जनवरी जायजे का 5 महीने में रहते हैं, औलाद इनाम इकराम और मोहब्बत से मुतल्लिक मामलात में आपके लिए फायद का हामिल साबित हो सकेगा, जबकि 9 से 25 जनवरी और चूंकि यही रुझत की हालत में भी मौजूद था जिसकी वजह से आपके प्यार मोहब्बत के मामला थे वो खासे जो है सेंसिटिव थे और इसी दौरान अगर आपने कुछ वाद वईद किया है तो आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए था या करना है, अगर कोई ऐसा मौका आ जाता है तो थोड़ा सा उसको डिले कर दीजिएगा या सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। 30 और 31 जनवरी को अतारत प्रोटोक्रान के बाद आपके नफसियाती मिसाइल जो है यकीनन वो हाईलाइट हो सकते हैं, उभर सकते हैं, लेकिन ऐसे में भी आपके अल्फाज जो हैं दूसरों पर असरअंदाज होंगे और उनको मुतासर किए बगैर नहीं देंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 25 जनवरी को कारोबारी मामला तय करते वक्त अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी लाभ ना हो सके। 26 जनवरी को आपकी माली पोजीशन जो है उसमें बेहतरी आने के साथ साथ आपके घरेलू मसाइल भी हल हो सकेंगे। 27 जनवरी को आपकी औलाद आपके लिए खुशी का बाइस बन सकती है। 28 जनवरी को आपका कोई इनाम या प्राइज बॉन्ड वगैरह निकल सकता है। 29 जनवरी को मुलाजमत से मुतल मामला ऐसा तौर पर आगे बढ़ा सकेंगे। 30 जनवरी को अजीज़ो अकारब की आपको कुर्बत हासिल है क्योंकि साथ आप
उनका साथ आपको हासिल रहेगा। 31 जनवरी को आपके हमसाय नेबर्स सराउंडिंग में जो लोग मौजूद हैं वो आपके लिए खास हेल्पफुल और मददगार साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो एहतियात तलब दिन है या सादत मनफी असरात के हामिल दिन है वो है 25 और 29 जनवरी, जबकि आपके लिए सादत असरात के जो हामिल दिन है वो है 26 और 31 जनवरी। इन दो दिनों में एहतियात कीजिए तो बैलेंस बैन बन चलेगा आपका हफ्ता, लेकिन आपके लिए खासा खुशबार साबित हो सकेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी इख्तिताम सिर हुआ।